अच्छा नहीं, बहुत सारे मेल मॉडल्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन करते हैं इनटू एक्टिंग एंड टेक इट एक्टिंग फुल टाइम. आपने ऐसा नहीं किया, आपने छोटे छोटे थोड़े से कोई प्रोजेक्ट किया, देन यू वेंट बैक टू योर आर्किटेक्चर, फिर आप वापस आते हैं, फिर आप गए, इसकी क्या वजह? एक्टिंग फुल टाइम जॉब है. क्योंकि मॉडलिंग, आप एक दिन में अगर कमर्शियल शूट है या आपका शूट है तो इट नीड्स हार्डली 6 to 8 hours. बट अगर आपने एक एक्टिंग का प्रोजेक्ट किया है तो 3 to 4 months यू कांट डू एनीथिंग. सुबह 10 बजे आप शूट पे जा रहे हैं, रात को 10 बजे से पहले वो आपको छोड़ेंगे नहीं, और आप जिम, और बिल्कुल ऐसे ही वो आपको छोड़ेंगे नहीं. ये कितनी सही बात है, सेट पे आप चले जाए वो आपको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होता है. तो फिल्म में भी ऐसा होता है कि आपके स्लॉट्स होते हैं मैक्सिमम 4 days 5 days का एक स्पेल है, और वो 20-25 दिन के बाद आया, तो आप अपने आर्किटेक्चर से, मॉडलिंग से, और जो ज़िंदगी की मसरूफियात होती है उससे टाइम निकाल लेते हैं. दिल बहुत चाहता है, मगर मैं एक साल या 1.5 साल में एक ऐसा प्रोजेक्ट कर लेता हूँ जिसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है. अच्छा नईम, जब आप वाइल्ड यू वर वर्किंग, जब आप मॉडलिंग कर रहे थे, वो फैमिली रिस्पॉन्सिव, क्या फैमिली रिस्पॉन्स क्या था आपका? फैमिली देखिए, उन्होंने कहा कि बस सही है जो कर रहे हो करते नहीं? बचपन से मतलब वालिद मेरे हर जगह मेरे साथ जाते थे, और उनको पता था कि ये स्पोर्ट्समैन है, इस बेस पे ये करता है. जैसे पाकिस्तान में जब ब्रांड्स आना शुरू हुए तो उनको एक एथलीट मॉडल चाहिए होता था, तो फिजिक अच्छी है, गुड लुकिंग है, चले जी हम इसको एज अ मॉडल ले लेते हैं. और मेरा ख्याल है ये बेहतर बात भी है, अगर आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं, फिटनेस फ्रीक है, तो आपका एक ऑडियंस में पॉजिटिव मैसेज जा रहा है. आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग के वो लीनियर पे चले गए, बहुत ज़्यादा थिनिंग पे चले गए. शूट पे तो अच्छा लगता है मगर वो लाइफस्टाइल नहीं है. तो आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें जो उम्र भर आपको उसका फ़ायदा हो, तो ये बात है. अच्छा नहीं, मैं बहुत पैशनेट है अपने आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि आपका प्रोफेशन है, और आप बहुत सारी बिल्डिंग्स के लिए, कंपनीज के लिए काम करते रहते हैं. कभी नहीं ऐसा हुआ, कभी आपने सोचा कि आप अपनी कोई फर्म फॉर्म करें, एंड यू नो गिविंग इट बैक टू द एंटायर फील्ड? मैं अपने नाम से ही करता हूँ एज एन इंटीरियर डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर, लोग नईम हक के नाम से जानते हैं. मेरी कंपनी का नाम है NHAH डिज़ाइन. उसमें होता ये है कि अगर आप किसी फर्म के लिए जॉब कर रहे हैं तो आपको 9 to 5 वो देना है. बीइंग आर्टिस्ट, आप उस तरह से, आपको लगता है कि आप एक जेल में आ गए हैं और अब आपको चीज़ें प्रोड्यूस करनी, फ्रीडम नहीं रहना. अब कभी हम रात में सोच रहे हैं, कभी सुबह वॉशरूम में गए वहाँ कमोड पे बैठ के सोच रहे हैं, यू नो. तो ये आइडियाज जो हैं, ये तो आप 24 hours आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, और यही क्रिएटिविटी है. अच्छा नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे शो बिजनेस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है और बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स लोग आपके साथ खेल रहे होते हैं, क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है? देखिए, दुनिया के हर प्रोफेशन में पॉलिटिक्स तो है, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो उसमें भी पॉलिटिक्स है, और उसके अलावा हर जगह है, हर जगह अच्छे और बुरे लोग तो आपको मिलेंगे. अब आपको ये है कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना जितना काम कर सकते हैं करें. और मेरे वालिद साहब हमेशा एक बात कहते थे कि ताकत वो जो अपने बाजू में हो. तो आप खुद इतनी मेहनत करें कि आप उन सारी पॉलिटिक्स से दूर हो जाए. बिल्कुल सही बात है. क्रिकेट का बहुत शौक है आपको? शौक हो गया है. हो गया है? हाँ, क्योंकि कोविड में हर तरह के जिमनेजियम बंद थे, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी. तो मुइन खान में हमारी मुइन भाई से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये ग्राउंड है, कोविड में रिस्ट्रिक्शन है, इतना क्लोज नहीं, तो क्रिकेट में आप डिस्टेंस पे आते. तो सारे एक्टर्स ने खेलना शुरू किया. अब वो 3-4 साल कोविड में जब हम खेलते रहे, तो अब माशाल्लाह से बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं क्रिकेट के. अभी हम लोग अमेरिका भी गए, अब दुबई जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ 18, 19, 20, 21 अक्टूबर से, और वहाँ पर 4 days का शारजा स्टेडियम में है. तो तकरीबन 4 teams हैं और सभी एक्टर्स खेल रहे हैं.